ये दोस्तों, क्या आप अंडर 80,000 के प्राइस रेंज पे एक प्रीमियम डिस्प्ले वाला 4K स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं, या आप एक 75 इंच की बिग डिस्प्ले वाला 4K स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा परचेस करें जो इस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट फीचर के साथ में आता हो? तो चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ टॉप 5 बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी जो आपको अंडर 80,000 रुपीज में देखने को मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, आज की लिस्ट में जितने भी स्मार्ट टीवी बता रहा हूँ आपको 55 इंच डिस्प्ले से लेकर 75 इंच की बिग डिस्प्ले तक के स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इन सारे स्मार्ट टीवी में जो फीचर्स दिए गए वो भी आपको एकदम प्रीमियम देखने को मिलेंगे, चाहे डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, चाहे साउंड आउटपुट की बात करें, पोर्ट्स एंड कनेक्टिव फीचर्स की बात करें, मल्टीपल सपोर्टिंग एप्स की बात करें, सब कुछ आपको एकदम प्रीमियम देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इन सारे स्मार्ट टीवी की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से जाके इसके बारे में और भी अच्छे से डिटेल में जान सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अंडर 70,000, 60,000, 50 या 40-30,000 के प्राइस रेंज पे एक बेस्ट 4K स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हो तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आपको आई बटन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके उन सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सा टॉप 5 बेस्ट प्रीमियम 4K स्मार्ट टीवीज हैं जो आज के इस लिस्ट में आते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज की लिस्ट में जो पांचवें नंबर पर स्मार्ट टीवी आता है TCL की तरफ से, तो अगर आप एक 75 इंच की बिग डिस्प्ले वाला 4K स्मार्ट टीवी ढूंढो जिसमें फीचर्स वगैरह भी एकदम बढ़िया देखने को मिल जाए, तब आप इसको ले सकते हैं। TCL B6B सीरीज 4K स्मार्ट टीवी। अब इस टीवी की बात करते हैं, इसमें 75 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60 हर्ट्ज रिफ्रेश वाली HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें 178° विंग एंगल, 330 nits की ब्राइटनेस, 8 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, 30 वाट का डोल्बी साउंड आउटपुट, कोर्टेक्स A55 क्वाड कोर प्रोसेसर, गूगल TV ऑपरेटिंग सिस्टम, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, माली जी 31MP2 ग्राफिक प्रोसेसर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप के साथ में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ और वॉइस असिस्टेंट जैसे कनेक्टिव फीचर के साथ में इनबिल्ट क्रोमा कास्ट और 2 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 79,990 रुपीज में आता, लेकिन अभी इस पे 5,000 का कूपन देखने को मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 74,990 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो इसकी सबसे अच्छी बात यही है दोस्तों कि आपको 75,000 के अंडर में आपको एक 75 इंच की बिग डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी देखने को मिल रहा है, जिसमें जो डिस्प्ले दिया गया है, जो इसमें साउंड आउटपुट देखने को मिलता है, पोर्ट्स एंड कनेक्टिव फीचर है, रैम और स्टोरेज है, सब कुछ एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों, TCL कंपनी की तरफ से आता है तो TCL के जो सर्विस सेंटर होते हैं सभी सिटीज में देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ यही एक मेजर कॉन इसका कह सकते हैं दोस्तों। इसलिए जब भी इसको आप परचेस करना तो अपने सिटी में जरूर सर्च कर लेना कि इसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है, तभी आप इसको परचेस करना, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसको आसानी से ठीक करवा सके। इसके बाद दोस्तों, आज की लिस्ट में जो चौथे नंबर पर स्मार्ट टीवी है सैमसंग की तरफ से है, और दोस्तों सैमसंग की तरफ से QLED 4K स्मार्ट टीवी देखने को मिल जाता है, जिसमें फीचर्स भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलते हैं, और यह सैमसंग फ्रेम सीरीज 4K QLED टीवी। अब इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो इसमें 55 इंच की 4K अल्ट्रा HD 120Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR10+ सर्टिफाइड QLED डिस्प्ले, जिसमें 178° विंग एंगल, 100% कलर गेमोट, 40 वाट का डोल्बी साउंड आउटपुट, क्वांटम 4K प्रोसेसर, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम, 2.5GB रैम, 16GB स्टोरेज, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप के साथ में 4 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ और वॉइस असिस्टेंट जैसे कनेक्टिव फीचर के साथ में इनबिल्ट मिरर कास्ट भी देखने को मिल जाता है, और 2 ईयर की वारंटी के साथ में 75,990 रुपीज में आता है, लेकिन अभी इस पे 4,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 71,990 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो इसमें आपको जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल जाता है, उसी के साथ में जितने भी फीचर दिए गए, चाहे साउंड आउटपुट की बात करें, चाहे रैम स्टोरेज की बात करें, पोर्ट्स एंड कनेक्टिव फीचर की, सब कुछ एकदम टॉप नॉच देखने को मिलते हैं। फिर भी दोस्तों, मैंने इसको 4 नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि दोस्तों जिस प्राइस रेंज पे आता है उस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको 55 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप एक सैमसंग की तरफ से QLED डिस्प्ले वाला 4K स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं जिसमें पिक्चर क्वालिटी एकदम जबरदस्त देखने को मिल जाए, तब आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, आज के लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर स्मार्ट टीवी आता है Xiaomi की तरफ से, तो अगर आप Xiaomi की तरफ से एक OLED डिस्प्ले वाला 4K स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं जिसमें रेटिंग और रिव्यूज के साथ में फीचर्स भी एकदम टॉप नॉच देखने को मिले, तब आप इसको जरूर ले सकते हैं, और यह MIUI OLED सीरीज 4K स्मार्ट टीवी। अब इस टीवी की बात करें तो इसमें भी आपको 55 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाली 10-bit OLED HDR10+ सर्टिफाइड Dolby Vision डिस्प्ले, जिसमें 178° विंग एंगल, 98.5% कलर गेमोट, 30 वाट का डोल्बी डीटीएस साउंड आउटपुट, कोर्टेक्स A73 क्वाड कोर प्रोसेसर, एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, माली जी 52MC1 ग्राफिक प्रोसेसर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप के साथ में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ और वॉइस असिस्टेंट जैसे कनेक्टिव फीचर के साथ में इनबिल्ट क्रोमा कास्ट और लेटेस्ट पैच वाले जैसे फीचर के साथ में 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 74,999 रुपीज में आता है। तो दोस्तों, इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो इससे पहले जो सैमसंग का स्मार्ट टीवी बताया था, और ये स्मार्ट टीवी है दोस्तों,
दोनों में फीचर तो आपको बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेंगे। खास करके दोस्तों जो पिक्चर क्वालिटी रहेगा बहुत ही ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको ओलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है इसमें। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें भी आपको 55 इंच की ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक Xiaomi की तरफ से बेस्ट पिक्चर क्वालिटी वाला एक स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हो तब आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आज के लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर स्मार्ट टीवी आता है Toshiba की तरफ से है। और दोस्तों इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो इसमें आपको 75 इंच की बिग डिस्प्ले तो देखने को मिलती है, लेकिन जो फीचर्स दिए गए हैं वो भी आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलेंगे। और ये Toshiba C350MP सीरीज 4K स्मार्ट टीवी। अब इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो इसमें 75 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR10+ सर्टिफाइड डॉल्बी विजन डिस्प्ले, जिसमें 178 डिग्री विंग एंगल, 350 निट्स की ब्राइटनेस, 8 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम, 36 वाट का डॉल्बी साउंड आउटपुट, 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम, 2GB रैम, 16GB स्टोरेज, माली G52 ग्राफिक प्रोसेसर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप के साथ में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, वॉइस असिस्टेंट और इनबिल्ट क्रोमा कास्ट के साथ में 2 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है। प्राइस की बात करें 79,999 रुपीज में आता है। तो दोस्तों इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो अगर आप अंडर 80,000 के प्राइस रेंज पे 75 इंच की बिग डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी लेना चाहते हैं जिसमें फीचर्स एकदम टॉप नॉच देखने को मिले तब आप इसको जरूर परचेस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेस्ट फीचर बिग डिस्प्ले के साथ में कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों Toshiba की तरफ से देखने को मिलता है। इसमें भी दोस्तों आपको जो आफ्टर सेल सर्विस रहेगा या सर्विस सेंटर वगैरह रहते हैं हर सिटीज में अवेलेबल नहीं रहते हैं, इसलिए इसको परचेस करने से पहले अपने सिटी में जरूर सर्च कर लेना किसके सर्विस सेंटर है कि नहीं, तभी आप इसको परचेस करना। तो फाइनली दोस्तों आज की लिस्ट में जो नंबर एक पे स्मार्ट टीवी आता है सोनी की तरफ से है। और दोस्तों अंडर 70,000 के प्राइस रेंज पे जब मैंने स्मार्ट टीवी बताया था तब इसी स्मार्ट टीवी को नंबर एक पे रखा था, और आज 80,000 के प्राइस रेंज पे भी मैं इसको नंबर एक पे रखता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ चुकी है। अभी आपको अंडर 75,000 रुपीज में देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों जो इसमें पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा, जो फीचर है, सब कुछ आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेंगे। और यह सोनी ब्राविया X74L 4K स्मार्ट टीवी। अब इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो इसमें 65 इंच की 4K अल्ट्रा HD 60Hz रिफ्रेश रेट वाली HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले, जिसमें 178 डिग्री विंग एंगल, लाइव कलर फीचर, 20 वाट का डॉल्बी साउंड आउटपुट, X1 4K प्रोसेसर, गूगल टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम, 4K ग्राफिक प्रोसेसर, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे मल्टीपल सपोर्टिंग ऐप के साथ में 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ, वॉइस असिस्टेंट, इनबिल्ट क्रोमा कास्ट और 1 ईयर की वारंटी के साथ में 77,990 रुपीज में आता है। लेकिन अभी इस पर 3,000 का कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी इफेक्टिव प्राइस 74,990 रुपीज हो जाती है। तो दोस्तों इस स्मार्ट टीवी की बात करें तो फीचर के मामले में बहुत ही जबरदस्त स्मार्ट टीवी देखने को मिलता है, उसी के साथ में जो पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगा, जो रेटिंग और रिव्यूज है, सब कुछ इसके बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें कितना रैम और स्टोरेज देखने को मिलता है वो चीज मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप एक सोनी की तरफ से 65 इंच की बिग डिस्प्ले वाला स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हो जिसमें पिक्चर क्वालिटी एकदम टॉप नॉच हो तब आप इसको जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 5 बेस्ट 4K प्रीमियम स्मार्ट टीवी अंडर 80,000 रुपीज। तो दोस्तों आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन सारे स्मार्ट टीवी ब्रांड में से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए।